मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। भोपाल की अगर हम बात करें तो 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल की लाइफलाइन बड़ी झील पर, बड़े तालाब पर, जहां पर कि आम तौर पर संडे को सुबह शाम दिन भर यहां पर लोग पहुंचते हैं, परिवार के साथ पहुंचते हैं, दोस्तों के साथ पहुंचते हैं, बोटिंग करते हैं। इसके अलावा जो क्रूज सामने दिखाई दे रही है बड़ी सी, उस पर म्यूजिक चलता है और लोग यहाँ पर रविवार की छुट्टी एंजॉय करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी बोट जो है यहाँ पर लाइन से खड़ी हुई है, बोट के अलावा क्रूज भी खड़ी हुई है और पूरे तालाब की अगर हम बात करें तो ये रेलिंग तक पानी भर जाता है। लेकिन गर्मी के चलते तालाब सूख रहा है, बहुत तेज़ी से डेडलाइन तक पहुँच गया, जो इसका जो स्तर था उस स्तर तक, उस स्तर के भी नीचे पहुंच चुका है। और ये जो बीच में जो टापू दिख रहा है, इस टापू तक लोग यहां से बोट के जरिए पहुंचते थे और आज की तारीख में लोग पैदल वहां तक जा रहे हैं। दरअसल पूरा तालाब यहां से एक तरफ से ये वन विहार की तरफ जो है ये तालाब सूख चुका है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय भी है। और एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से खजुराहो की बात करें हम या टीकमगढ़ की बात करें, छतरपुर की बात करें, ग्वालियर में भीषण गर्मी पड़ रही है, भोपाल में भी काफ़ी गर्मी है और कम लोग अब यहाँ पहुँच रहे हैं, बहुत कम हो गया लोगों का आना यहाँ पर। हाँ, सब गर्मी के कारण बहुत कम आते हैं अभी। धंधे पर भी कितना असर पड़ रहा है, क्या पूरा, लग रहा है? पूरा असर है सर, बहुत, मतलब गर्मी के कारण लू इतनी चल रही है कि निकलना मुश्किल हो रहा है। आमतौर पर रविवार को यहाँ भीड़ लगी रहती है, पैर रखने जगह नहीं रहती है। हाँ, हाँ। लाइन वेटिंग लगी रहती है, लेकिन आज पूरा सन्नाटा, पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो आप एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से तालाब पर भीड़ रहती है, लेकिन आज की तारीख में आज जिस तरीके से यहाँ पर तापमान बना हुआ है, लोग यहाँ अपने घरों से नहीं निकले हैं। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गौरव शर्मा, भोपाल न्यूज़ 24।